तो वीडियो शुरू करने से पहले कहूंगा जिन जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दो चैनल को आने वाले टाइम में डेली रेसलिंग के अपडेट्स के लिए। तो परसों तो हमें WWE के अंदर साल 2020 का आखिरी पेपर व्यू दिखाई देगा जो कि होगा टेबल्स लैडर्स एंड चेयर्स यानी कि TLC 2020। लेकिन परसों के बाद 2021 आएगा और 2021 के अंदर जो WWE का पहला पेपर व्यू अभी फिलहाल माना जा रहा है वो होने वाला है रॉयल रंबल 2021, जिसकी भी फिलहाल डेट वगैरह तो कन्फर्म नहीं हुई है। लेकिन गाइस आपको बता दूं रिसेंटली एक बहुत ही बड़ा स्पॉइलर आ चुका है सामने जिसने ये बात कन्फर्म की है, एक एक्चुअली में चैंपियनशिप मैच कन्फर्म किया जो कि होगा रॉयल रंबल शो के अंदर। तो एक तरह का उसका मैच का रिवील हुआ है जो कि होगा टाइटल मैच रॉयल रंबल 2021 के अंदर। आज की इस वाली वीडियो के अंदर वो कौन सा टाइटल मैच होगा, कौन सा अपोनेंट होगा, कौन सा चैंपियन होगा, सारी चीजों के बारे में डिटेल में इस वीडियो के अंदर करूंगा बात। इसके अलावा बात करने वाला हूं केविन ओवंस के बारे में जिन्होंने रिसेंटली या फिर स्मैकडाउन के एपिसोड के खत्म होने के बाद एक और वार्निंग दे दी है रोमन रेंस को। इसके अलावा एक बहुत ही बड़ी अपडेट के बारे में करेंगे बात जो कि इस बार मंडे नाइट रॉ के एपिसोड के बारे में रिलेटेड है क्योंकि हमने देखा रिसेंटली बहुत ही कम रेटिंग्स आई WWE की रॉ के एपिसोड के अंदर। तो उसके बाद जो WWE के फ्यूचर प्लान्स है वो रिवील हो चुके हैं और जो पुरानी WWE है वो एक बार फिर से आने वाली है वापस। साथ ही साथ इस वीडियो के अंदर बात करूंगा इन्फर्नो मैच के बारे में या फिर फायरफ्लाई इन्फर्नो मैच के बारे में जो कि होगा TLC पेपर व्यू के अंदर। रिसेंटली WWE की तरफ से काफी यूनिक पोस्टर्स को लेकर रिवील कर दिया गया तो काफी सारी अपडेट्स आपको आज की इस वीडियो के अंदर जानने के लिए मिलेंगी। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। लेकिन शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को एक कमाल की अपडेट के साथ जो कि इस बार जुड़ी है द प्राइस फाइटर केविन ओवंस के बारे में जो कि फेस करने वाले हैं रोमन रेंस का टेबल्स लैडर्स एंड चेयर्स यानी कि TLC 2020 पेपर व्यू के अंदर और मैच होने वाला है एक यूनिवर्सल टाइटल मैच। तो TLC पेपर व्यू के अंदर इन दोनों का आमना सामना होगा। लेकिन हमने क्या देखा जो गो होम एडिशन था स्मैकडाउन की तरफ से TLC पेपर व्यू को लेकर उस एपिसोड के अंदर रोमर इस करीबन 4 से 5 बार बहुत ही बुरे तरीके से केविन ओवंस के ऊपर हमला करते हैं और शो के एंडिंग के अंदर क्या होता है जो रोमर रेंस है वो सारे लैडर्स जो चेयर्स हैं एक ब्रोकन टेबल वो केविन ओवंस के ऊपर फेंक देते हैं। लेकिन उसके स्टील बाद जो केविन ओवंस है उसके ऊपर से हमें एक बार फिर से स्टील चेयर के ऊपर बैठते हुए नजर आते हैं और वो कहते हैं या फिर मैं यूनिवर्सल चैंपियन बनूंगा TLC पेपर व्यू के अंदर या फिर मैं TLC पेपर व्यू के अंदर ही खत्म हो जाऊंगा। तो गाइस आपको बता दूं जैसे स्मैकडाउन का एपिसोड खत्म होता है तुरंत उसके बाद एक टॉकिंग स्मैक का हमें एडिशन दिखाई देता है जहां पर केविन ओवंस भी आते हुए नजर आते हैं प्लस वहां पर पॉल हेमन भी होते हैं और यहां पर जो केविन ओवंस है पॉल हेमन को एक बहुत ही बड़ी वार्निंग दे देते हैं। वो कहते हैं कि तुम ये मेक श्योर करना कि रोमर रेंस सही से समझ जाए कि उसे TLC पेपर व्यू के अंदर क्या करना होगा, अगर वे बात नहीं समझ पाता है तो एक मैं बात तुमसे कहूंगा पॉल हेमन कि तुम्हारा जो बच्चा है वो काफी ज्यादा ट्रबल में है काफी ज्यादा मुश्किल में है और ये बात रोमर रेंस को पहले से समझनी होगी। कुल मिलाकर केविन ओवंस का यहां पर कहना यह है कि अगर जो रोमन रेंस है केविन ओवंस को कम आंकते हैं TLC पेपर व्यू के अंदर तो उनके पास से जरूर से केविन ओवंस है वो यूनिवर्सल टाइटल ले जाएंगे और जरूर से जो उनका बच्चा पॉल हेमन का यानी कि यहां पर उन्होंने रोमन रेंस को इस तरीके से मेंशन किया है जो बच्चा पॉल हेमन को काफी ज्यादा खतरे में होने वाला है TLC पेपर व्यू के अंदर क्योंकि केविन ओवंस जरूर से वहां पर न्यू यूनिवर्सल चैंपियन बनता हुआ नजर आएगा। तो देखो ये जो मैच है काफी इंटरेस्टिंग होने वाला और जिस तरीके से रोमन रेंस ने बात की थी स्मैकडाउन के एपिसोड के अंदर कि ये जो मैच है शायद हमें मेन इवेंट होता हुआ नजर आए तो अगर ये मैच मेन इवेंट करता है TLC पेपर व्यू का तो जरूर से काफी कमाल का एक्शन WWE ने हम सभी के लिए इस मैच के अंदर बचा कर रखा है। लेकिन अब मैं बात कर लूँ आज की हमारी नेक्स्ट अपडेट के बारे में जो कि इस बार जुड़ी एक न्यू पोस्टर के बारे में जो कि WWE की तरफ से रिसेंटली रिवील हुआ है फर्स्ट एवर फायरफ्लाई फन हाउस इन्फर्नो मैच के लिए। फन हाउस वो गलती से लग गया बोलते टाइम लेकिन ये होने वाला है एक फायरफ्लाई इन्फर्नो मैच जो कि WWE के अंदर पहली बार हो रहा है और रिसेंटली WWE की तरफ से जैसी स्टिपुलेशन अनाउंस हुई थी पूरा जो रेसलिंग वर्ल्ड है वो काफी ज्यादा हैरान था कि WWE किस तरीके से इन्फर्नो मैच की ला रही है वापसी। लेकिन गाइस आपको बता दूं जैसे इन्फर्नो मैच की रिटर्न अनाउंस हुई है तुरंत यहां पर जो WWE है वो अपने ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर एक न्यू पोस्टर रिवील करते हैं फीन वर्सेस ऑर्टन के फर्स्ट एवर फायरफ्लाई इन्फर्नो मैच को लेकर जो कि आप लोग अपनी स्क्रीन के सामने भी देख सकते हो। इस पोस्टर के अंदर हम लोग क्या देख रहे हैं नीचे आप सभी को तो फीन दिखाई दे रहे हैं लेकिन ऊपर आप सभी को पूरी रिवलरी की हिस्ट्री दिखाई दे रही है रैंडी ऑर्टन एंड ब्रे वायट की यानी कि कुल मिलाकर यहां पर कहना यह कि जो जितनी बार रैंडी ऑर्टन ने अत्याचार किया ब्रे वायट के ऊपर उसका जो सारा बदला हमें फीन लेते हुए नजर आएंगे TLC पेपर व्यू के अंदर और सारी चीजें भी फिलहाल तो इस तरफ इशारा कर रही हैं कि आप सभी को फीड हराते हुए नजर आएंगे रैंडी ऑर्टन को TLC पेपर व्यू के अंदर। लेकिन मेरे हिसाब से अगर ये मैच एक सिनेमैटिक मैच होता है तो जरूर से मैच ऑफ द ईयर बन सकता है काफी मेमोरेबल मोमेंट हमें 2020 के आखिरी में भी WWE देती हुई नजर आ सकती है। फिलहाल जो पोस्टर है वो काफी खतरनाक है देखते हैं WWE ने क्या कुछ हम सभी के लिए इस फर्स्ट एवर फायरफ्लाई इन्फर्नो मैच के अंदर बचा कर रखा है। लेकिन अब मैं बात कर लूँ आज की हमारी सेकंड लास्ट अपडेट के बारे में जो कि काफी बड़ी गुड न्यूज है हम सभी के लिए और इस बार
हमारे जुड़ी मंडे नाइट रॉ के एपिसोड के बारे में, और जो पुराने WWE एक बार फिर से वो रॉ के एपिसोड के अंदर आने वाली है वापस। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि हमने क्या देखा था, रिसेंटली जो रॉ के एपिसोड की रेटिंग्स थी वो बहुत ही ज़्यादा कम चली गई थी। करीबन जो रॉ के रेटिंग्स है वो एवरेज में 1.5 मिलियन आई थी, जिसके बाद WWE उनका बैक स्टेज के ऊपर भी काफ़ी टेंशन वाला रिएक्शन था कि इतनी ज़्यादा व्यूअरशिप कम क्यों हो रही है रॉ के लगातार। एंड गाइस आपको बता दूँ, इसे जो USA नेटवर्क है जो कि एक्चुअली में रॉ को हमें TV के ऊपर टेलीकास्ट करवाता हुआ नजर आता है, फॉक्स जो है वो स्मैकडाउन को हैंडल करता है, और जो USA नेटवर्क है रॉ को हमें हैंडल करता हुआ नजर आता है, तो एक्चुअली में वो भी इस कम रेटिंग के साथ काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट है। रिसेंटली बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ आई है सामने, क्योंकि यहाँ पर USA नेटवर्क ने WWE के साथ ये बात डिसाइड की है कि एक बार फिर से पुरानी WWE हम लोग वापस लाएंगे, ताकि जो रेटिंग्स है वो हमें बढ़ती हुई नजर आएँ। और यहाँ पर ये बात साफ साफ क्लियरली मैंशन की गई है कि जो WWE पुरानी वापस आने का मतलब ये नहीं कि WWE एक बार फिर से सेक्शुअल कॉन्टेंट हमें TV के ऊपर टेलीकास्ट करती हुई नजर आएगी। अगर आप सभी को याद होगा, जो पहले TV के ऊपर WWE आया करती थी, अगर आप लोग वीडियोस भी देख लोगे तो उसमें फीमेल सुपरस्टार्स को लेकर काफ़ी ज़्यादा सेक्शुअल कंटेंट था, जो कि 18+ कंटेंट माना जाता है, और उस टाइम WWE इसलिए ज़्यादा चलती भी थी क्योंकि आपको पता ही आजकल के लॉन्डो का कहाँ पे इंटरेस्ट है। लेकिन अब जो WWE है वो इन जो कंटेंट है उनका जो रिटर्न है वो नहीं करवाएगी, बल्कि यहाँ पर जो ब्रूटल मैचेस पहले WWE के अंदर होते थे, यानी कि जो खून खराबे वाले मैचेस होते थे WWE के अंदर, जो हार्डकोर मैचेस होते थे, उनकी वापसी होने वाली एक बार फिर से रॉ के एपिसोड के अंदर। USA नेटवर्क के हिसाब से ये ज़रूर से जो रेटिंग है वो हमें बढ़वाता हुआ नजर आएगा रॉ के एपिसोड की। और जैसे मैंने क्लियरली मेंशन कर दिया, जो 18+ कंटेंट है वो रिटर्न नहीं करेगा, लेकिन जो वॉयलेंस वाला कंटेंट है, जो कि खून खराबे वाला कंटेंट है, वो आप सभी को बहुत ही जल्दी रिटर्न करता हुआ नजर आ सकता है रॉ के एपिसोड के अंदर। और मेरे हिसाब से यही रीज़न है जिसके कारण एक फर्स्ट एवर फायरफ्लाई इन्फर्नो मैच अनाउंस हुए TLC पेपरव्यू के अंदर। तो क्या आप लोग खुश हो, और क्या आप देखना चाहोगे एक बार फिर से पुराने WWE को, जहां पर हमें ब्रूटल मैचेस या फिर खून खराबे वाले मैचेस ज़्यादा दिखाई दें? नीचे मुझे ऑफकोर्स कॉमेंट के अंदर जरूर बताना। लेकिन अब मैं बात कर लूँ आज की हमारी नेक्स्ट एंड फाइनल अपडेट के बारे में, जो कि इस बार जुड़ी है WWE के प्रोबेबली साल 2021 के पहले पेपरव्यू के बारे में, जो कि होने वाला है रॉयल रंबल 2021। अभी फिलहाल इस पेपरव्यू के जो डेट है वो WWE की तरफ से ऑफिशियली अनाउंस नहीं हुई है, लेकिन गाइस आपको बता दूं, रिसेंटली रिंग्स एंड न्यूज़ की तरफ से एक बहुत ही बड़ी रिपोर्ट आई है सामने, उन्होंने ये बात रिवील कर दी है, या फिर कोई बहुत ही बड़ा चैंपियनशिप मैच रिवील कर दिया, जो कि हमें TLC 2020 पेपरव्यू के अंदर ही दिखाई देने वाला है। एंड यहाँ पर जो रिसेंटली रूमर्स आए सामने, या फिर कौन जो स्पॉयलर्स आए सामने, जैसे मैंने कहा वो रिंग्स एंड न्यूज़ की तरफ से आए, यहाँ पर ये बात रिवील है कि जो WWE के एक्चुअल प्लान्स थे TLC पेपरव्यू के अंदर यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप के लिए, अब जो सारे के सारे वो प्लान्स हैं वो आप सभी को, या फिर जो उनके मैचेस है वो रॉयल रंबल 2021 के अंदर दिखाई देंगे। एंड यहाँ पर ये जो मैच रिवील है वो यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप का मैच होगा, जहाँ पर द डोमिनेटर बॉबी लैशली आप सभी को मैट रिडल के खिलाफ अपनी चैंपियनशिप को डिफेंड करते हुए नजर आ सकते हैं। एंड स्पॉयलर्स के हिसाब से यहाँ पर बॉबी लैशली आप सभी को अपनी चैंपियनशिप को हारते हुए नजर आएंगे, एंड रिडल साल 2021 के अंदर आप सभी को न्यू चैंपियन बनते हुए नजर आने वाले हैं। WWE ने जो मैच है पोस्टपोन इसलिए कर दिया रॉयल रंबल शो के लिए, क्योंकि WWE चाहती है कि साल 2021 के पहले पेपरव्यू के अंदर ही ज़्यादा हम लोग टाइटल चेंज दिखाए, ताकि जो फैंस है, जो पुराने फैंस है WWE के, एक बार फिर से उसके अंदर इंटरेस्ट लें कि हाँ भाई अब WWE के अंदर इंटरेस्टिंग चीज़ें हो रही हैं। इसी के चलते साल 2021 की शुरुआत में बॉबी लैशली के पास ही जाएगी US टाइटल, और मैट रिडल के पास आने वाली है वो चैंपियनशिप। एंड यह जरूर से आप सभी को रॉयल रंबल 2021 के शो के अंदर यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप का ये वाला मैच दिखाई देगा, जहाँ पर रिडल एंड लैशली आप सभी को आपस में फेस करते हुए नजर आने वाले हैं। अगर देखा जाए तो मेरे हिसाब से अगर रिडल वर्सेज लैशली के मैच के अंदर हमें बॉबी लैशली हारते हुए नजर आते हैं, रिडल न्यू चैंपियन बन जाते हैं, तो इससे एक बात साफ हो जाएगी कि रेसलमेनिया शो के अंदर जो WWE है वो बॉबी लैशली वर्सेज ब्रॉक लेसनर का मैच प्लान कर सकते हैं, या फिर WWE के पास विंस मैकमैन के पास बॉबी लैशली के और भी बड़े प्लान्स हो सकते हैं, क्योंकि रिसेंटली बात रिवील हुई थी अगर ब्रॉक लेसनर रेसलमेनिया 37 से पहले WWE के साथ कॉन्ट्रैक्ट एंड डील साइन कर लेते हैं, तो लैशली वर्सेज ब्रॉक लेसनर का मैच अब से भी और रेसलमेनिया 37 के अंदर होता हुआ नजर आ सकता है, जो कि बॉबी लैशली के लिए जरूर से एक ड्रीम मैच है। तो मेरे हिसाब से अगर WWE इस डील को लेकर रॉयल रंबल 2021 के अंदर बॉबी लैशली से US टाइटल ले जाएगी, तो बॉबी लैशली कोई निराशा नहीं होगी, क्योंकि वो WWE के अंदर एक बार फिर से वापस इसलिए आए हैं ताकि वो ब्रॉक लेसनर के खिलाफ अपने ड्रीम मैच के अंदर हमें रेसल करते हुए नजर आए। लेकिन गाइस जो आज की ये वाली वीडियो बस यहीं तक थी, अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई तो ऑफकोर्स नीचे वीडियो को लाइक के बना कहीं मत जाना। आपके हिसाब से क्या एक बार फिर से WWE को अपने पुराना वही कॉन्टेंट ब्रूटल मैचेस वाला कॉन्टेंट वापस लाना चाहिए या फिर नहीं, नीचे मुझे ऑफकोर्स कॉमेंट के अंदर जरूर बताना। और वापस लाती तो क्या इससे रेटिंग्स बढ़ेंगी या फिर नहीं? साथ ही साथ अगर आप लोग चैनल पर नवे तो ऑफकोर्स कर सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब एंड नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन, ताकि आगे भी आपको हमारे चैनल पर कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग कमाल के और भी फ्रेश अपडेट जानने को मिलते रहें। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर काफी जल्दी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।